तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है पूरी मशीन की जानकारी देती हूँ कि ये पूरी निटिंग मशीन जो है किस तरह से चलती है और किस तरह से लगाई जाती है। तो देखिए, इस तरह के होते हैं, देख रहे हैं आप, ये पक्के, ये इसे फिक्स करने के लिए ये राइट में और लेफ़्ट में होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए राइट और लेफ़्ट, ठीक है। और इसके साथ ये देखिए, ये एंटीना होता है, ये एंटीना होता है, ठीक है। इस एंटीने में देखिए धागा मैंने कैसे किया है, यहाँ डाला है, फिर ऊपर, फिर इसमें, और एंड फिर ये इसमें गया हुआ है, ठीक है। ये फ़िलहाल मैं ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कैरिज का, ये कैरिज है, ठीक है। तो ये कैरिज हमारे जो अलग अलग आते हैं, हम जब आप मशीन लोगे ना तो आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा लेती हूँ। ये अभी किसी ने मतलब हमारे थ्रू मशीन ली हुई है तो उनको पता नहीं लग रहा है, बिटिया को, तो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से अलग आता है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे इस तरह से कर लेना, पक्का कर लेना है, ये इस तरह से, ठीक है, पक्का कर लिया है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये पक्का है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको ये कैरिज मतलब लगा कि नहीं लगा अच्छी तरह से। अगर मैं आपको बता देती हूँ, सुइयाँ ये अगर इसके नीचे से जा रही है तब ये कैरिज ठीक लगा है, अगर ये बिल्कुल इसको टक कर रही है तो ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ मैं अभी आपको और बताती हूँ इसको चलाना वगैरह, फ़िलहाल मैं इसको रख लेती हूँ। इसमें टूल्स क्या क्या है, तो इस सिलेक्टर तो और का है, चलो ये बता लेती हूँ। ये अटेंशन, ये मतलब ये इसका भी फंक्शन मैं आपको बताऊँगी। ये मतलब आपका जो है लेफ़्ट साइड में बड़े मतलब डबल धागे में चलता है, आप इसे मतलब जब इसको लगाओगे ना यहाँ प्रेस में, यहाँ लगता है, इधर इधर ही चेंज होता है। फिर ये इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी, कौन कौन सीखना चाहता है तो कमेंट करना है। तो इसमें ऐसी स्वेटर बनती है जो आप लेफ़्ट से भी पहन सकते हो और राइट से भी, मैंने यूज़ करके देखा हुआ है। और टू प्लाई के धागे में तो बहुत अच्छी, जो ब्रेक का धागा होता है ना जो इनर बनियान का, तो उसमें यूज़ होता है। ये वो ये वाली क्लिप जो रहती है, अगर आपको सिंगल ही डिजाइन चाहिए, जैसे आपको मतलब स्वेटर के सेंटर में चाहिए, बाजू में चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये इस तरह से होती है। ये आपको जाली के जो जाली का पैटर्न, जाली का जो कैरेज रहता है ना, उसके लिए भी कहाँ कहाँ हमारे को मिनी से चाहिए, तो इस तरह के ये मेरे पास बहुत सारे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की ये पिंस वगैरह होती है, ये तो सभी के पास हो जाएगी। तो इस तरह के मुझे पूछ रहे थे मैम ये क्लिप क्या होती है, इसके बारे में बताया, ठीक है। तो ये क्लिप जो है जहाँ तक ये यहाँ पर लगी रहेगी तब तक ये आपको जो है डिज़ाइन देगी सेंटर का ही, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो भी चाहते हैं तो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिलेक्टर होता है ये आप सभी को पता है, ये फंदे निकालने के लिए होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो मैं कैरिज लगा लेती हूँ इसको, यहाँ पर देखिए आपने कैरिज, ठीक है। और मेरा बटन पक्के से, अभी मैं खोल रही हूँ कैरिज को, अब मैं बता देती हूँ आपको खोलने का, खोलने का ये यहाँ होता है प्लेन के लिए, नीचे के लिए होता है। अब देखिए धागा मैंने इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। तो कोई चाहते नीचे बांधना तो मैं तो नहीं बांधती हूँ फिलहाल, तो मैं आपको जस्ट नॉलेज की दे रही हूँ, धागा वेस्ट है इस तरह से, तो मैं तो सीधे चलाती हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरह से कर दिया है। अब ये मैं आपको हैंडल के बारे में बोल रही हूँ, हैंडल पीछे की ओर नहीं करना, आपने हाथ को इस तरह से पकड़ना है और फिर इस तरह से चलना है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ कॉम है, कॉम द्वारा हमने क्या करना है इस तरह से, ठीक है। और हमारे पास इसमें वेट ये वाले आते हैं, ये बिल्कुल ये वाले वेट आते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैं इसे अभी रहने देती हूँ। अगर आपने नंबर एक बॉर्डर बनाना है तब आपने देखिए जब सिलेक्टर ने निकाला था तो एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे इस तरह से रहता है। तो बॉर्डर के लिए आपने कोई भी आगे नहीं करना है, जस्ट आपने क्या करना है सिर्फ ऐसे चलते रहना है आपने, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये बॉर्डर की तरह आ गया है, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर की तरह आ गया है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं दिखाती हूँ आपको
अब इसको अगर आप बॉर्डर को प्लान करना है तो क्या करना है आपने, अब मान लीजिए इसे निकाल दिया है बॉर्डर बनाने के लिए, अब मैंने क्या कर दिया, धागा जो नीचे फंसाया था उसको निकाल दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना, देखिए इसे इन पिन में डाल देना है, ठीक है, इसमें डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट इसमें डाल दिया। अब जो खाली वाला है इसमें डाल रही हूँ मैं, जो खाली वाला है ना, इस तरह से। अगर मैं अगर भरे में डालूँगी तो मेरे होल्स आ जाएंगे बॉर्डर में, इस कारण से मेरे ये होल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे को आपने इस तरह से करते हुए जाना है। ये है मतलब जो सिंपल निटिंग मशीन वाली है ना मैंने, तो उनके लिए भी यही है। कार्ड तो मैं जब कार्ड डालूँगी इसमें चलाऊँगी तो ये कार्ड वाला बन जाता है, फिलहाल बिना कार्ड के तो ये सिंपल मशीन की तरह होता है। और इसका कैरी जो बहुत हल्का होता है, जो भी बहने मशीन लेना चाहती है तो कार्ड वाली ही ले, बिकॉज इसे जो है मतलब कोई भी आपको जो है मतलब जैसे मतलब किसी को बोलते हैं ना कि बाजुओं में पेन होती है, बहुत हल्की चलती है, स्मूथली चलती है, तो कोई पेन नहीं होती है। छोटी मशीनें जो होती है उसमें मतलब वो अड़ने का डर रहता है उसमें, और इसमें कुछ ऐसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए एक बार ही ले और कार्ड वाली मशीन ही आप ले, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये इस तरह से आ गया ना, बिल्कुल ठीक आ गया ना ये इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाता है। तो कुछ बहनों ने तो बेचारियों ने मशीन मतलब देखी नहीं है, कि ये बोलते हैं कि हमने देखी नहीं है, रॉड छोटे बड़े इसमें ना, ये रॉड आते हैं, देखो इसको रॉड बोलते हैं, ये छोटे बड़े आते हैं, ठीक है, छोटे बड़े आते हैं, मेरे को बड़े है तो फिलहाल बताती हूँ, छोटे भी है तो फिर छोटे। अगर आप बॉर्डर छोटा बना रहे हो ना तो छोटा वाला लगाना है आपने, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये, ताकि नीचे की ओर लाए, ठीक है, इस तरह से, है ना, ये देखिए इस तरह ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और ये देखो पीछे के हमारे आगे के लिए हो गए। अब हमने क्या करना है, प्लान बुनना है। प्लान बुनने के लिए मैंने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अगर बाजू बनती है तो हर 4-6 रो में जो है आपके फंदे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं आपको मिनी सी जाली भी बता देती हूँ। अब कोई बोलते हैं कि जाली, जाली के लिए क्या करना है, इस तरह से पूरी रो में इस तरह से करना है आपने, ठीक है। पहले जो भी बिगनर्स है उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये है, ठीक है, मैं शुरू से ही बता रही हूँ आपको। जो बहनें बेचारी ऐसे सोच रही कि हम मशीन ला ले कौन हमें सिखाएगा, तो आपने जो है हमारे साथ जो व्हाट्सएप में जुड़िए, फिर मैं आपको बताती हूँ टेलीग्राम ऐप द्वारा जो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी आपकी जो ट्रेनिंग की जाएगी, 6 मंथ का जो आपको कोर्स कराया जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप लोगों को, तो पूरी अच्छी तरह से लीवर्क जो है काम कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब मैंने पीछे के फंदे पीछे है ना इस तरह से कर देना है, और 2 रो ले लेनी है, फिर मैंने ये आगे को कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इसे ऐसे कर रही हूँ, कई तरह के ट्रिक होती है जाली की, तो इस तरह से फिर मैं आपको डिब्बी की बताऊंगी कि डिब्बी में कैसे बनती है। पहले स्टेप मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि इस तरह का बॉर्डर भी कोई मांगते हैं, मतलब बॉर्डर में भी यूज़ होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। फिर मैंने ये देखिए परफेक्ट जाली आ गई ना हमारी, मैं आपको ये बैक है ये फ्रंट से, ठीक है। तो बस आज की जो ये इतनी ही ट्रिक थी, मैंने बता दिया है ना आपको, रॉड होती है, कॉम्ब होते हैं, इसमें पिन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई बॉर्डर बनाना चाहता है ना, बोलते हैं कि कटवाड़ा बॉर्डर बनाना है भी हमने, तो कटवाड़े बॉर्डर के लिए ऐसे होता है, देखो ये इस तरह से निकल के आते हैं, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से बटन पट्टी वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन के बेल को जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए।